everyone, welcome to more welcome my YouTube channel The Beauty Box. I hope I doing well. So yeah, today's video is very very special for all teenagers girls जो अपने frizzy hairs, dry hairs से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी है. So yeah, आज की वीडियो में उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. So जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. By the way यार, seriously ये रेमेडी ना ब्लास्ट करने वाली है. And you know इस रेमेडी में just 3 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं. एंड जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आपके बाल बिल्कुल सिल्की, स्मूथ, शाइनी एंड मैनेजेबल होने वाले हैं. एंड यू नो आपके बाल इससे स्ट्रेट भी हो जाएंगे बिना किसी स्ट्रेटनर के. सो यार जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं. सो या इस रेमेडी में सबसे पहले चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है जी यंग्स की मायोनीज. बाय द वे आपने ये सुना होगा कि जस्ट इसे खाने में यूज़ किया जाता है. नो यार सीरियसली ये हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता नहीं था. मैंने जब इसको यूज़ किया ना एंड मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले सो मैं हैरान रह गई. एंड मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे भी शेयर किया जाए. एंड सीरियसली यार मायोनीज बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए क्योंकि उसमें वो सारे प्रोटीन्स हैं जिसके हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है. एंड ये हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज रखती है. सो यार सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट. एंड यू एब्सोल्युटली नो यार ये हमारे हेयर्स के लिए तो कमाल का वर्क करती है. इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे हेयर्स को स्मूथ, सिल्की, शाइनी रखती है. मींस अगर आपको अपने बालों को सिल्की स्मूथ रखना है ना तो योगर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. चाहे आप किसी भी मास्क में उसको ऐड कर लो या फिर आप इसको बिल्कुल सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो. आप इसको बिल्कुल सेपरेट भी लगा सकते हो. सो या उसके बाद जी अब बारी आती है जी इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट की जो हमारे रूट्स के लिए एंड हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. मीन्स एग योक. आई नो सुन के थोड़ा डीप लगा होगा. सीरियसली पर्सनली मुझे भी इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन यार इसको लगाने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना सीरियसली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. आप सब खुश हो जाओगे क्योंकि यू नो एग में वो सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हमारे हेयर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है. सो या यहाँ पे मैं एग योग ले लूँगी. जस्ट आपको योग ही ऐड करनी है. उसके बाद जी इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. एंड अब बारी आती है जी एप्लीकेशन की कि आपको इसको लगाना किस तरह है. सो सबसे पहले जब भी आपको शावर लेना हो मींस अपने हेयर वॉश करना हो मींस शैम्पू करना हो उससे कोई 15 मिनट्स पहले आप इसको अपने हेयर्स में अप्लाई करेंगे. अच्छे तरीके से ना भर भर के अप्लाई कीजिएगा. एंड या आप इसको रूट्स में नहीं लगाना क्योंकि हमने इसमें मायोनीज भी ऐड करी है. सो अप्लाई करने के बाद एक कोम लेना और अपने हेयर्स में अच्छे तरीके से कोम करना एंड देन इस रेमेडी को वापस अप्लाई करना. कोम करने से क्या होगा आपके हेयर्स स्ट्रेट भी हो जाएंगे साथ साथ. सो या इस रेमेडी को अप्लाई करना एंड देन 15 मिनट्स बाद अपने हेयर्स को वॉश करना. सो या ये थी आज की वीडियो. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय.